इंडिया मार्ट के शेयर में आप देख सकते हो अभी अभी हमको 10% के आसपास की लोअर सर्किट लगती हुई दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर इस शेयर में क्या करना चाहिए, काफ़ी सारे हमारे व्यूअर भाइयों का ये प्रश्न है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले हमारे काफ़ी सारे व्यूअर भाई को मैंने इस शेयर को 6300 रुपये के आसपास के लेवल पर बाय करने को बोला था, और देख सकते हो फ्रेंड्स कुछ ही दिनों में वहाँ से 1800 रुपये ये शेयर गिर गया। तो ओवरऑल इस शेयर में एक तो बाजार का नेगेटिव सेंटिमेंट है, उसी वजह से हमको गिरावट देखने को मिली, और पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस ने यहाँ पर इसके जो तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आए वहाँ पर मार्जिन हल्का सा घट कर आया, इसी वजह से गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल मार्जिन यहाँ पर घटने वाला था वो तो सभी को पता था, और यहाँ पर एक खास बात नोट करने वाली ये है कि अभी भी इसका बिजनेस बढ़ ही रहा है और इसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड स्तर पर हमको देखने को मिल रही, मगर बाजार का सेंटिमेंट नेगेटिव है और यहाँ पर हल्की सी नेगेटिव न्यूज़ आ गई, और ऑलरेडी इस शेयर में हमको नेगेटिव सेंटिमेंट काफ़ी दिनों से दिखाई दे रहा है, इसी वजह से यहाँ पर भारी पैनिक फैला हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर किसी को भी ये शेयर बेचना नहीं चाहिए, उल्टा इस शेयर को बाय करने का एक बहुत ही शानदार मौका मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप देखो ये शेयर 50 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करने लगे, और पिछले एक दो साल की बात करें तो इतना सस्ता वैल्यूएशन इस शेयर में हमको बहुत ही कम बार देखने को मिला है। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय करना चाहिए, और जिसके पास है उसको बिना डरे इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे भी है जिसने इस शेयर को 9000 रुपये के आसपास के प्राइस से लिया, तो उसको तो यहाँ पर निकलने का कोई बात ही नहीं बनता क्योंकि वहाँ से ये शेयर आधा हो चुका है। तो ओवरऑल बिना डरे इस शेयर को होल्ड कर लेना चाहिए।